नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर राहुल कुमार अपने यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक जो होने वाला है मेरा, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो उससे पहले, अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा या उससे पहले भी आप मेरे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर इससे आपको थोड़ा सा भी नॉलेज प्राप्त होता हो तो। इससे ये आपको फ़ायदा होगा कि जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे उसका पता आपको चल जाएगा, और सब्सक्राइब के साथ साथ आप बेल आइकन का भी घंटी ज़रूर दबा दीजिएगा, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए, आज का टॉपिक और आज का पॉइंट हम देखते हैं क्या होने वाला है। आज का पॉइंट देखिए दोस्तों, होने वाला है मेरा यूनिट कन्वर्जन, जो एरिया के लिए होता है। पिछले वीडियो में मैंने लेंथ पर बताया था, आज हम बताने वाले हैं एरिया पर, और अगले वीडियो में हम वॉल्यूम के ऊपर भी बताएंगे। ये आपको सिविल इंजीनियर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए आप इसको ज़रूर याद रखिएगा। खास करके फ्रेशर को तो ये कभी भी पूछ सकता है। चलिए देखते हैं आज के टॉपिक। तो आज का मेरा जो वीडियो है वो यूनिट कन्वर्जन एरिया पर होने वाला है। देखिए, पहले नोट लिख दिया हूँ मैं, नोट एस क्यू इक्वल टू स्क्वायर होगा, मतलब शॉर्ट रूप है एस क्यू स्क्वायर का। तो चलिए देखते हैं पहला पॉइंट है मेरा वन एकड़ में, अगर 1 एकड़ को स्क्वायर मीटर में चेंज करेंगे तो कितना होगा, वो होगा 4046.85 स्क्वायर मीटर 1 एकड़ में होता है। अब अगला है, अगर स्क्वायर फीट में चेंज करेंगे तो 1 एकड़ में होगा इक्वल टू 43560 स्क्वायर फीट। नेक्स्ट है मेरा तीसरा नंबर, 1 एकड़ बराबर 0.4047 हेक्टेयर, मतलब 1 एकड़ को अगर हेक्टेयर में चेंज करेंगे तो 0.4047 हेक्टेयर होगा। अगला है मेरा, अब हेक्टेयर में चलते हैं, अगला है मेरा हेक्टेयर में, वो होने वाला है, इसको ऐसे कर देते हैं। अगला है हेक्टेयर, वो होगा 1 हेक्टेयर में आपको होगा, अगर किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 1 हेक्टेयर इक्वल टू 0.01 स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट है, अगर हेक्टेयर को हम स्क्वायर मीटर में चेंज करेंगे तो वो होगा 1 हेक्टेयर इक्वल टू या बराबर 10,000 स्क्वायर मीटर, 10,000 स्क्वायर मीटर। अगर हेक्टेयर को स्क्वायर फीट में चेंज करेंगे तो वो मेरा होगा 1 हेक्टेयर इक्वल टू 107639.10 स्क्वायर फीट। अगर एक हेक्टेयर को एकड़ में चेंज करेंगे तो वो मेरा होगा 1 हेक्टेयर इक्वल टू या बराबर 2.47 एकड़। अब आगे देखते हैं जो मेरा नेक्स्ट होने वाला है, ये ज़्यादातर हमको कैलकुलेशन में ज़रूरत पड़ता है साइट पर, इसको तो याद ही रखिएगा। 1 स्क्वायर मीटर को अगर हम स्क्वायर फीट में चेंज करेंगे तो वो मेरा होगा 1 स्क्वायर मीटर बराबर 10.763 स्क्वायर फीट। अगर स्क्वायर फीट को स्क्वायर मीटर में चेंज करेंगे तो वो मेरा होगा 1 स्क्वायर फुट इक्वल टू 0.0929 स्क्वायर मीटर। अगला है मेरा 1 स्क्वायर यार्ड, अब यार्ड भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पैमाना होता है मेरा एरिया निकालने के लिए या एरिया की जानकारी रखने के लिए, तो इसको भी याद रखिएगा ज़रूर से ज़रूर, ऐसे तो सारे आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो 1 यार्ड स्क्वायर यार्ड इक्वल टू वो होगा 9 स्क्वायर फीट, माने 9 स्क्वायर फीट। अगर यार्ड को स्क्वायर मीटर में चेंज करेंगे तो वो मेरा होगा 1 स्क्वायर यार्ड इक्वल टू 0.836 स्क्वायर मीटर। अगला है, अगर एकड़ को स्क्वायर यार्ड में चेंज करेंगे तो वो होगा 1 एकड़ इक्वल टू या बराबर 4840 स्क्वायर यार्ड है। अब अगला है, 1 हेक्टेयर में मेरा कितना स्क्वायर यार्ड होगा, 1 हेक्टेयर इक्वल टू 11959.9 स्क्वायर यार्ड,
ठीक है दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, इसको ज़रूर याद रखिएगा। हाँ, एक बात और ज़रूरी सीखना है आपके लिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताइए कि हम आपके लिए कैसा वीडियो लाएं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो। हम ज़रूर कोशिश करेंगे उस पर वीडियो बनाने के लिए। तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, कर ही लीजिए ना प्लीज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपने और अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एनर्जी के साथ। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।